अब रुख करते हैं मेलसी का, जहां मुसव्वर सईद अजब ने पेंसिल वर्क के जरिए पोर्ट्रेट तैयार करके अपने शहर का ही नहीं बल्कि मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। आज उनके बेटे एजाज अजब ने ये फन जिंदा रखा हुआ है। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे सादिक अली से। जी बताइएगा सादिक। जी बिल्कुल, पेंसिल वर्क से बनाई गई तस्वीर में हुस्न फितरत पैदा करना मेलसी के मुसव्वर सईद अजब का कमाल था। मैं इस वक्त कैदंज रोड सुपरमार्केट में मौजूद हूं और यहां पर सईद अंजुम के बेटे इजाज अहमद अंजुम मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि ये पोर्ट्रेट जो पेंसिल वर्क से तैयार की जाते थे, ये कितने अरसे में तैयार की जाती हैं और इसके हवाले से मुकम्मल तफसीलात बताएं। जी बताइए। हमारे लिए ये एजाज की बात है कि प्रेसिडेंसी से जो भी डेलीगेशन गया जरदारी साहब के पिछले दौर में, उसमें इनके हाथ का बना हुआ पोर्ट्रेट जिस भी वो ममलिकत में जाते उनके सरबराह का वो बन के जाता। मसलन जैसे चीन गए तो होजन ताओ का, और अगर इंग्लैंड गए तो गोल्डन ब्राउन का, और अगर लीबिया गए तो कर्नल कजाफी का। उन्होंने मेलसी की सरजमीन को फौकियत दी और यहीं रह के सारा वर्क किया। हुकूमत से इन्होंने इल्तमास की है कि वो फन को जिंदा रखने के लिए हर मुमकिन तावन करें ताकि फनकार अपने फन से मोहब्बत और अकूत को जिंदा रख सकें। जी।